तो मित्रों अगर आप मैच देखते होंगे तो स्टेडियम देखा होगा, स्टेडियम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा दो तीन तीन पीछे होती है। आखिर कभी आपने सोचा आखिर में तीन पीछे होती क्यों है? अगर नहीं जानते आप लोग तो आज वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाले आखिर में तीन पीछे होती क्यों है। लास्ट तक बने रहेगा आपको पता चल जाएगा आखिर में तीन पीछे क्यों होती है स्टेडियम के अंतर्गत। तो आपको बता दूं जो पहला स्टेडियम में पिच होती है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से पिच क्रिएटर तैयार करता है ताकि अंतरराष्ट्रीय मैचेस वगैरह वहां पर हो सके, और जो दूसरी पिच होती है वो घरेलू मानकों के हिसाब से तैयार किया जाता है पिच क्रिएटर के द्वारा, ताकि जो घरेलू मैच है उसका मानक अलग होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलग होता है। तो और जो तीसरी पिच रखी जाती है वो रखी जाती है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस वगैरह नेट प्रैक्टिस वगैरह किया जाता है उसके लिए एक पिच को जल्द रखा जाता है ताकि उसके कारण मेन पिच बर्बाद ना हो, ताकि उस पर मैच खेला जा सके आसानी से। तो होप आप लोग समझ चुके आखिर में स्टेडियम के अंदर तीन पिचे होते क्यों है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो होप चलते मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।